बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू द होल डीएसएन कम्युनिटी। माय नेम इज तहरीम इसहाक। होप यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। योर रिस्पांस रिगार्डिंग ऑल माय लेक्चर्स इज अर्जिंग मी टू डू मोर एंड मोर फॉर योर बेटरमेंट, बट फॉर दिस प्लीज वॉच ऑल माई वीडियोज ऑनलाइन एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस एजुकेशनल जर्नी। टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर चैप्टर नंबर 9, दैट इज स्किन मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। First of all, we will see the questions asked in your content. Define decubitus ulcers, sites of decubitus ulcer, list the causes of decubitus ulcer, identify the risk factors of ulcers, apply nursing interventions to prevent decubitus ulcers. We will cover all these questions in the same lectures, so please watch the video till the end. Let's start from the question number 1, define decubitus ulcers. Any lesion caused by unrelieved pressure, that is a constant compressing downward force on body or an area of the body that result in damage to underlying tissue is called decubitus ulcer. कि बॉडी की अगर किसी भी पार्ट पे कांस्टेंट प्रेशर पड़ रहा है उतना जितना हमारी बॉडी जो है बेयर नहीं कर सकती है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी जो टिश्यू होगा उस पर डैमेज होना शुरू हो जाएगा और उस डैमेज के नतीजे में जो वूंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्यूबिटस अल्सर बोलेंगे। इट इज आल्सो नोन एज प्रेशर अल्सर्स, बेड सोर्स, प्रेशर सोर्स और डिस्टोर्शन सोर्स। गॉट इट। लेकिन हमारे पास रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्रेशर अल्सर्स, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इमोबिलिटी, तो हम देख लेते हैं कि इमोबिलिटी किस तरह से जो है प्रेशर अल्सर डेवलप करने में काम करती है। तो इमोबिलिटी क्या होता है कि एक पेशेंट जो है जो मोबिलिटी शो कर रहा था, जो मूवमेंट वो कर रहा था या उसका अपनी पूरी बॉडी पे जो कंट्रोल था वो क्या है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है अपनी बॉडी पे आने वाला कोई भी प्रेशर जो है जो कि उनकी लिमिट से एक्सीड कर रहा होता है उसको बेयर नहीं करते हैं, वो पोजीशन चेंज कर लेते हैं उससे पहले, ठीक है। लेकिन जो लोग जो है वीक होते हैं या पैरालिसिस में होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लोग चूंकि पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर जो है प्रेशर अल्सर डेवलप करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनएडिक्युएट न्यूट्रिशन। तो किस तरह से जो है इनएडिक्युएट न्यूट्रिशन जो है रिस्क फैक्टर बनती है प्रेशर अल्सर का, कि अगर कोई पर्सन जो है डाइट नहीं ले रहा प्रॉपर, ठीक है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिली तो क्या होगा, वेट लॉस होगा, मसल एट्रॉफी। क्या होता है कि मसल्स का साइज जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, पर उसके अलावा लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपकी जो अंडरलाइंग स्किन के फैट होता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पर्सन थिन और लीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बोन और स्किन के दरमियान में जो एक पैड बन रहा था जो कि प्रिवेंट करा था आपकी स्किन डैमेज को, तो वो पैडिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब वो खत्म होगी तो क्या होगा, प्रेशर सोर जो है वो ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है, आइदर फीसिस, ठीक है, या फिर यूरन जो है वो ड्रिबलिंग करता रहता है इनवॉलंटरली, ठीक है, कि पेशेंट की विल नहीं होती, पेशेंट का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है ओवर द यूरिनेशन, ठीक है, तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग होती रहती है पेशेंट की, जिसकी वजह से पेल्विक एरिया की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट रहती है। तो उस वजह से किस तरह से प्रेशर अल्सर डेवलप करते हैं कि जब मॉइस्चर होगा आपकी स्किन पे तो स्किन मैसिरेशन होगी। अब वो क्या होता है कि टिश्यूज बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, जब टिश्यू बहुत सॉफ्ट होगा तो वो मोर प्रोन होगा टू द प्रेशर अल्सर्स, ठीक है, तो इस वजह से भी जो है वो प्रेशर अल्सर डेवलप कर सकते हैं। देन हमारे पास फोर्थ आ जाता है डिक्रीज मेंटल स्टेटस, ठीक है, कि अगर किसी पर्सन का जो है वो मेंटल परसेप्शन ही नहीं है, उसको रिकग्नाइज ही नहीं हो रहा प्रोलॉन्ग प्रेशर, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके प्रेशर अल्सर्स के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। देन हमारे पास है डिमिनिश सेंसेशंस, अगर किसी पर्सन को सेंसेशंस ही नहीं है, वो प्रेशर को सेंस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो प्रेशर अल्सर के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। देन हमारे पास एक्सेसिव बॉडी हीट लॉस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, दस इंक्रीजिंग द नीड ऑफ सेल्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, सेल्स की ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो इंक्रीज नीड है ये पार्टिकुलरली सवियर हो जाएगी उन सेल में जो कि पहले से ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, ठीक है, तो अब वो सेल जो है वो मुसलसल डैमेज होते जाएंगे, जब वो सेल डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर सोर्स डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांसिंग एज, उसमें क्या होगा, पर्सन जो है वो ओल्डर एज की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, तो क्या होगा कि लॉस ऑफ
बॉडी मास हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, लीन बॉडी हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है, जनरलाइज थिनिंग ऑफ एपिडर्मस, उसके एपिडर्मस भी थिन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सर्टन बॉडी वीकनेसेस आती हैं, पेशेंट की मोबिलिटी जो है वो डैमेज करती है, उसके अलावा इनकॉन्टिनेंस वगैरह होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर अल्सर डेवलप करने के चांसेस जो है वो पेशेंट के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं विद एडवांसिंग एज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि इनकरेक्ट पोजीशनिंग, आपने पेशेंट की पोजीशनिंग इस तरह से की है कि उसके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शियरिंग और फ्रिक्शन वगैरह हो रही है नीचे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं जाके इसके रिस्क फैक्टर्स भी, कॉजिटिव एजेंट्स भी, ठीक है। तो अगर आपने पोजीशनिंग पेशेंट की ठीक तरह से नहीं की तो उसको जो है वो डेवलप कर सकते हैं प्रेशर अल्सर, ठीक है। रिपीटेड इंजेक्शन इन द सेम एरिया, अगर आप सेम एरिया पे बार बार इंजेक्शन लगा रहे हैं, प्रिक कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, प्रेशर अल्सर बन सकते हैं। हार्ट सपोर्ट सर्विसेज, हार्ट सपोर्ट सर्विसेज का मतलब क्या है कि पेशेंट का जो बेड है वो नीचे से बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत हार्ड है, या आपने उसको जो कुशन पिलोज वगैरह दिए हैं वो हार्ड हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को अल्सर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। देन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, ठीक है। अगर आपने प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस वगैरह उसको दी हैं पेशेंट को, ठीक है, उसको पिलोज वगैरह दिए हैं, या आपने उसको मैट्रेस दिया है, ठीक है, या आपने जो है उसके नीचे एयर बलून्स वगैरह रखे हैं, तो आपने उनको जो है इनकरेक्टली अप्लाई किया है, ठीक है। अगर आपने सैंड बैग्स रखे हैं तो आपने उनको इनकरेक्टली अप्लाई किया है, तो क्या होगा कि प्रेशर अल्सर डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 8 फैक्टर्स बता दिए जो कि प्रेशर अल्सर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है एटियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर्स, ठीक है। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, एटियोलॉजी क्या है। 3 प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रेशर होता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम प्रेशर सोर्स या प्रेशर अल्सर्स बोलते हैं। प्रेशर ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन लेसन द बॉडी फ्लो टू टिश्यूज, जब बॉडी के टिश्यूज तक ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो टिश्यू नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर सोर डेवलप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्शन आ जाती है। फ्रिक्शन क्या होती है, जब हमारी स्किन जो है किसी भी क्लोथिंग या बेडिंग या किसी भी सरफेस के अगेंस्ट जो है हमारी स्किन रब करती है, ठीक है। तो ये किस तरह से पेशेंट में हो सकता है कि पेशेंट की जो लिनन है उसमें आपने क्या हुआ, उसमें वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें हैं, ठीक है, वो क्लोज नहीं अच्छी तरह से हुई हुई है, ठीक है, या उस पर कोई हार्ड चीज़ पड़ी हुई है। तो अगर आपने उसको अच्छे से लिनन को मैनेज नहीं किया तो क्या होगा कि प्रेशर सोर्स जो है वो बन सकते हैं। देन शियरिंग फोर्सेस आ जाती हैं, जब टू सर्फेसिस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कि जब बॉडी की दो सर्फेसिस मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए ना, अगर आप अपने दोनों हाथों को भी ज़्यादा तेजी से मूव करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इस तरह से जब दो सर्फेसिस आपस में रब करती हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और वो टिश्यूज क्या होते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या होता है, टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाती है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वही सारे रिस्क फैक्टर जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं वो एक्ट करते हैं किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, ठीक है, जिसके नीचे क्या होता है, बोन होती है। देन व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर, ऑक्लूजन ऑफ स्मॉलर वेसल्स अकर, ठीक है। जब प्रेशर कॉन्स्टेंटली किसी जगह पर रहेगा तो जाहिर है वहां जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या होगा, ऑक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि उस टिश्यू तक ब्लड की सप्लाई उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी जितनी के पहले हो रही थी, ठीक है। देन क्या होगा कि उन टिश्यूज को इस्कीमिया फेस करना पड़ेगा, टिश्यू नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी और देन प्रेशर सोर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन साइट्स ऑफ बेड सोर्स, ठीक है, किस किस जगह पे जो है बेड सोर डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएं, सुपाइन पोजीशन क्या होती है कि पेशेंट अपनी बैक लाइंग पोजीशन में होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें इस पोजीशन में तो बैक ऑफ द हेड, ठीक है, बैक ऑफ द हेड पे जो है वो बेड सोर बन सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपको पिक्चर दिखाती हूँ। उसके अलावा शोल्डर्स पे बन सकते हैं, देन एल्बोज पे बन सकते हैं, फिर हिप आ जाती है पेशेंट की, ठीक है, बटक्स पे, ठीक है। उसके अलावा लोअर बैक जो है, सैक्रम की पोजीशन जो है वहां पर, इनर नी के पॉइंट पे और हील्स पे, ठीक है। तो ये आपके पास साइट्स हैं, आपने याद रखनी है, कॉमन साइट्स ऑफ बेड सोर्स हैं ये, ठीक है। अब ये देखें सुपाइन पोजीशन में क्या है, मैं आपको बताया, बैक ऑफ द हेड होगी पेशेंट की, शोल्डर्स होंगे उसके, ठीक है, एल्बो होगी, बटक्स होंगी उसकी, ठीक है, समटाइम्स इनर नीज भी होंगी अगर यहाँ पे आपने सपोर्ट डिवाइसेस लगाई हुई हैं, और हील्स होंगी, ठीक है। अगर हम देखें साइड लैंग पोजीशन में पेशेंट को, तो देखें साइड लैंग पोजीशन में कौन कौन से पार्ट हैं जो नीचे सरफेस के साथ टच हो रहे हैं, तो उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पर देखिए, जैसे यहाँ पे ईयर्स हैं,
शोल्डर है, एल्बो आ रही है, आपकी हिप आ रही है, थाई आ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा लेग है और हील्स है, ठीक है। अगर प्रोन पोजीशन में पेशेंट है तो क्या होगा, ये एल्बो पे हो जाएगा, ठीक है, रिब केज पे होगा, अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट पे हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा थाइस पे, नीज पे एंड टोज पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से बता दिया कि किस किस तरह से, किस किस पोजीशन में अगर क्लाइंट हमारा है तो उसको बेड सोर्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। तो चार स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास स्टेज क्या होता है कि नॉन ब्लांचेबल एरिदमा होता है, ये मैंने आपको स्किन के पूरा दिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से देख लीजिएगा एक दफा, ये हमारे पास ऊपर एपिडर्मिस है, देन डर्मिस है, फिर सबक्यूटेनियस फैट जो हमारी स्किन के नीचे फैट आता है, फिर सॉफ्ट टिश्यू हमारे मतलब मसल्स आ जाते हैं, देन बोन आती है, ठीक है। तो कह रहे हैं नॉन ब्लांचेबल एरिदमा, एरिदमा क्या होता है, रेडनेस ऑफ द स्किन है, ठीक है, वो ऊपर से रब होके स्किन उतरेगी नहीं, डैमेज नहीं है, ठीक है। सिग्नलिंग पोटेंशियल स्किन अल्सरेशन, आपको सिग्नल दे रहा है स्लाइटली रेड होके, ठीक है, तो कि यहाँ पर जो है स्किन अल्सरेशन हो सकती है। तो सिर्फ हमारा डैमेज कहाँ तक है, सिर्फ एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर तक है, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्टेज टू को, स्टेज टू पे देखें वो स्लाइटली जो है लोअर मूव कर गया, डर्मिस तक चला गया हुआ है, ठीक है। एब्रेशन होगी स्किन की, ब्लिस्टर बन जाएंगे, ठीक है, या तो ऊपर ब्लिस्टर बन जाएगा इन्वॉल्विंग द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, उसने उसको इन्वॉल्व किया है, देन उसने पॉसिबली जो है वो डर्मिस को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व उसने कर लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज थ्री की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप पिक्चर देखें तो आपको यहाँ से भी अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है, फुल थिकनेस जो है हमारे पास, डर्मिस भी इन्वॉल्व है, ठीक है, स्किन हमारी टोटली लॉस हो चुकी है और सब क्यूटेनियस फैट जो है वो उस तक जा रही है, ठीक है। डीप अल्सर एग्जिबिटिंग नेक्रोटिक टिश्यू एंड एक्सटेंडिंग थ्रू द सब क्यूटेनियस लेयर, फुल थिकनेस स्किन लॉस, हमारी स्किन एपिडर्मिस और डर्मिस यहाँ तक है तो हमारा फुल थिकनेस स्किन लॉस हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेज फोर की तरफ, टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज इन्वॉल्विंग मसल, बोन और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पहले एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई, देन डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस फैट, फिर हमारा सॉफ्ट टिश्यू और उसके बाद बोन तक, ठीक है। तो सारा का सारा हमारा जो है ये पूरा का पूरा जो स्किन हमारी पूरी फैट और हमारा सॉफ्ट मसल और हमारी बोन सब कुछ डैमेज हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। नेक्रोसिस इतना ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है, ठीक है। तो ये चार स्टेजेस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट हम चलते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट बेड सोर्स, अगर किसी पेशेंट को बेड सोर्स होने के चांसेस है तो हमने किस तरह से इंटरवेंशन करनी है। तो सबसे पहले हम असेस करेंगे क्लाइंट को, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हमारे पास, ठीक है, उनके लिए हम क्लाइंट को असेस करेंगे। हम क्लाइंट की स्किन कंडीशन देखेंगे एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, ठीक है, दो दफ़ा हम दिन में देखेंगे उसकी स्किन कंडीशन, स्किन पेलर तो नहीं हो रही है, ठीक है, वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही है, स्किन कूल तो नहीं हो रही है, ठीक है, या एक्सेसिवली वार्म तो नहीं हो रही। तो हम स्किन का टेक्सचर और उसको जो है हम उसको टेम्परेचर वगैरह उसका चेक करेंगे। इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट ऑफ द बॉडी, हमने जो प्रेशर साइट्स पढ़ी है, जिस तरह मैं आपको प्रोन पोजीशन में, आपको साइड लिंग पोजीशन में, आपको सुपाइन पोजीशन में बताई थी, उस तरह हम अगर पेशेंट को जिस पोजीशन में हम लटा रहे हैं तो हमने उन सारी की सारी प्रेशर साइट्स को मॉनिटर करना होता है। पालपेट द स्किन फॉर एनी इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इंस्पेक्ट फॉर ड्राई मॉइस्ट एंड ब्रेक इन द स्किन, ठीक है, हमें चेक करना है स्किन कहीं एक्सेसिवली ड्राई तो नहीं हो रही है या बहुत ज़्यादा मॉइस्ट तो नहीं हो रही है कहीं से स्किन, ठीक है, और स्किन में कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हो गया हुआ, ठीक है। चेक फॉर कैपिलरी रीफिल एंड पेरिफेरल सर्कुलेटरी स्टेटस, कैपिलरी रीफिल क्या होता है, आपने जो हमारे नेल्स के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आपने वहां पर क्या करना है, आपने वहां 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, ठीक है। अगर फौरी तौर पे इन 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो ब्लड वापस सर्कुलेट करके, ठीक है, क्या होगा कि आपका वो एरिया फौरन से क्या होगा, रेड हो जाएगा 2 या 3 सेकंड में। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा है तो मतलब पेरिफ्रीज में आपका ब्लड जो है प्रॉपरली पेशेंट का नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर आप 2 से 3 सेकंड प्रेस करते हैं और उसको रिलीव करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि स्किन अपने आप ऊपर वापस मूव करेगी और ब्लड सर्कुलेशन वहां पे दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं होती तो मतलब टिश्यू परफ्यूजन वहां की अच्छी नहीं आ रही है। देन असेस फॉर प्रेजेंस ऑफ इनकॉन्टिनेंस, आपने क्लाइंट को देखना है कि कहीं उसकी इनवॉलंटरी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन या फीसिस तो नहीं हो रही है,
ठीक है। फिर आपने क्या करना है, असेस फॉर न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, आपने चेक करना है कि उसकी जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है वो किस तरह से जो है चल रहा है। नेक्स्ट है इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस की जो है वो एपिसोड्स आ रही हैं, तो उसके लिए हम क्या इंटरवेंशंस करेंगे कि हम उसको प्रेशर सोर्स से प्रिवेंट करें, ठीक है। सबसे पहले हमने असेस नीड फॉर इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट, हमने उसको मैनेज करना है किस तरह से कि पेशेंट जो है वो अपनी केयर करे, और हम सर्टन मेडिकेशन या एक्सरसाइज उसको बताएं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो क्या हो कि उसकी इनकॉन्टिनेंस किसी हद तक जो है वो कम हो। अगर हम मसल एक्सरसाइजेज बताते हैं पेल्विक फ्लोर की, तो उससे क्या होता है कि इनकॉन्टिनेंस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो अगर इनकॉन्टिनेंस की एपिसोड फिर से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम पेल्विक एरिया को क्लीन करेंगे अच्छे से, और उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाएंगे जो कि मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट होगी, जो कि मॉइस्चर को नहीं होने देगी वहाँ पर, जिसकी वजह से स्किन जो डैमेज है वो नहीं होगा। देन हमारे पास है फ्रिक्शन और शियरिंग फोर्सेस को जो है वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को रीपोजिशन करेंगे यूजिंग द ड्रॉ शीट के। अगर पेशेंट जो है वो ठीक तरह से अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर रहा, तो हम ड्रॉ शीट के थ्रू जो है पेशेंट को मूव करवाएंगे। उसके अलावा क्या है, लिफ्टिंग ऑफ सर्फेसिस है, मीन्स अगर पेशेंट बेड पे है तो बेड हेड को हम अपलिफ्ट या डाउन लिफ्ट करके हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड करेंगे। हमने प्रॉपर पोजीशनिंग टेक्निक यूज़ करनी है जो कि पेशेंट के लिए रेकमेंडेड है, मतलब उसको सेमी फाउलर पोजीशन में आपने रखना है, सुपाइन में रखना है, प्रोन में रखना है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन हमने उसको उस पोजीशन में मेंटेन करवा कर रखना होता है, ठीक है। यूज़ कम्फर्ट डिवाइसेज अप्रोप्रिएटली, हमने अगर क्लाइंट को कोई पिलो वगैरह देना है, मैट्रेस वगैरह प्रोवाइड करना है, ठीक है, या एयर फिल्ड बलून वगैरह अगर हमने उसको देना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अप्रोप्रिएटली उसे मैनेज करवाना है, ठीक है। यूज एयर फिल्ड और वाटर फिल्ड बलून्स अंडर बोनी प्रोमिनेंसिस, के अगर पेशेंट जो है वो कोमा में है या अपनी वो पोजीशन खुद चेंज नहीं कर सकता, पैरालिसिस में है, तो हमने जो उसकी बोनी सर्फिस, फॉर एग्जाम्पल उसकी हील्स हैं या उसके जो हैंड्स हैं, ठीक है, हमने उसके नीचे एयर फिल्ड, वाटर फिल्ड या सैंड फिल्ड बैग जो है उनको रखना है, ताकि क्या हो कि जो है फ्रिक्शन जो है या जो शेयरिंग फोर्सेज हैं वो कम हो, और पेशेंट को जो बेड सोर की चांसेस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी इंटरवेंशंस होगी कि नर्स क्या क्या इंटरवेंशन कर सकती है क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर बेड सोर किसी को हो गया, तो हम पहले तो पोजीशन चेंजेस करेंगे कि पेशेंट की पोजीशन चेंज कर देंगे उस पॉइंट पे, उस प्रोमिनेंस पे पेशेंट को नहीं लेटाएंगे जहाँ पर वूंड डेवलप कर गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर हम उस वूंड को साफ करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर अगर डैमेज टिश्यू ज़्यादा हो गया तो हम उसको रिमूव करेंगे, ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, ऑरली एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि पेशेंट के वूंड पे इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको हेल्दी डाइट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो, बूस्ट अप हो, तो वो जल्दी कोप कर पाए, और एजुकेट करेंगे हम उसके केयर गिवर को ताकि वो जो है उसको प्रॉपर पोजीशनिंग, अगर जो पेशेंट को घर लेकर जाना है तो वो उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग को मेंटेन कर सके, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 9 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दैट इज स्किन मैनेजमेंट बेस्ड ऑन डिक्यूबिटस अल्सर्स, हमने कंप्लीट कर लिया है। होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से लेक्चर्स बनाती रहूँ और वीडियोज अपलोड करती रहूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को ऑनलाइन देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को मज़ीद इलाबोरेट करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप बता दें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।